हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय लेक्चर आज के इस लेक्चर में हम ई एल दो ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम की यूनिट फर्स्ट से मूविंग कोई या जिसे माइक माइक्रोफोन भी कहते हैं के बारे में स्टडी करेंगे इसमें हम मूविंग कोयल माइक्रोफोन की पैसिक प्रिंसिपल इसकी स्ट्रक्चर इसके वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कुछ अदर फीचर्स जो भी हैं इसके बारे में साथ ही साथ एप्लीकेशंस भी देखेंगे इन सब के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मूविंग ऑयल माइक्रोफोन जो है वो किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है द मूविंग कोयल माइक्रोफोन ऑल्सो कार्ड डायनेमिक माइक्रोफोन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये जो मूविंग ऑयल माइक्रोफोन है इसे डायनेमिक माइक्रोफोन भी कहा जाता है क्यों क्योंकि इसमें जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो भी वो मूव करते हैं मीन्स इसकी नेचर कैसी है डायनेमिक इसीलिए इसे डायनेमिक माइक्रोफोन भी कहा जाता है और यह जो माइक्रोफोन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे कार्य करता है

कोयल से गुजरने वाले जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज होता है जिसकी वजह से ई एम एफ इंड्यूस होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड होता है और यही जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई एम एफ है वो ही माइक्रोफोन का आउटपुट है तो इस प्रकार इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे मूविंग कोयल माइक्रोफोन कार्य करता है ड्यू टू सिमिलरिटी इन कंस्ट्रक्शन मूविंग कोईल लाउड स्पीकर कैन आल्सो वर्क एज मूविंग कोयल माइक्रोफोन इनकी ये जो मूविंग कोयल माइक्रोफोन है इसकी स्ट्रक्चर मूविंग कोयल लाउड स्पीकर के जैसे ही होती है तो स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी होने की वजह से जो मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर है वो भी इस मूविंग कोयल माइक्रोफोन की जैसे ही कार्य करता है द सेम यूनिट इज ऑफन यूज बोथ माइक्रोफोन एंड लाउड स्पीकर इन ऑफिस इंटरकॉम सिस्टम यही कारण है कि जो ऑफिस की इंटरकॉम सिस्टम है उसमें एक ही यूनिट माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर की जैसे कार्य कर सकती है दोनों के लिए हम एक ही यूनिट यूज कर सकते हैं नेक्स्ट डायनेमिक माइक्रोफोन की स्ट्रक्चर के बारे में इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है तो, पे है, की, की है, magnet, तो यहाँ पे ये बेसिक स्ट्रक्चर दिखाई गई है डायनेमिक माइक्रोफोन की जिसमें कि मेन कंपोनेंट है मैग्नेट कॉइल और ये डायफ्राम तो ये मैग्नेट यहाँ पे दिखाई गई है जिसमें कि ये साउथ पोल है और ये दो नॉर्थ पोल है इसमें मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार होता है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस प्रकार नॉर्थ पोल से इमर्ज होता हुआ साउथ पोल में इनक्लोज होता है ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ और इसमें ये कोइल यहां पे प्लेस्ड है इस मैग्नेटिक फील्ड में इस प्रकार ये कोइल रखी जाती है और ये जो कोईल है ये डायफ्राम से अटैच होती है ये इस माइक्रोफोन का डायफ्राम है जो जिससे कि ये कोइल अटैच होती है और ये जो डायफ्राम है ये मैग्नेट से इस स्प्रिंग से जुड़ा होता है इस प्रकार कनेक्टेड होता है स्प्रिंग के थ्रू मैग्नेट से चूँकि डायफ्राम तो माइक्रोफोन में हम जानते ही हैं बेसिक मेन जो ट्रांसड्यूसर कंपोनेंट होता है साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में uh, कन्वर्ट करने में तो ये इस प्रकार का कनेक्शन है इसमें आ, कैसे है ये क्योंकि जैसे ही साउंड प्रेशर यहाँ पे अप्लाई किया जाता है डायफ्राम पे तो ये डायफ्राम क्या है जो कि स्प्रिंग से कनेक्टेड है इसमें इस प्रकार मूवमेंट होता है जैसे इसपे प्रेशर लगता है इसमें इस प्रकार मूवमेंट होता है वाइब्रेशन होते हैं तो डायफ्राम में मूवमेंट होने की वजह से ये कोइल जो है इसमें भी मूवमेंट होता है इसकी भी पोजिशन चेंज होती है इस प्रकार

परमानेंट मैग्नेट ऑफ पोर्ट टाइप विद द सेंट्रल पोल पीस साउथ पोल एंड द पेरिफेरल पोल पीस नॉर्थ पोल ये जो मैग्नेट है ये कौन सी यूज की जाती है पोर्ट टाइप की परमानेंट मैग्नेट यूज की जाती है जिसमें कि सेंट्रल पोल पीस साउथ पोल और पेरिफेरल पोल पीस नॉर्थ पोल होता है दिस टाइप ऑफ मैग्नेट गिवस ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द गेप बिटवीन द पोल पीसेज ये मैगनेट जो है पोल पीसेज के बीच का जो ये गेप है इसमें यूनिफॉर्म मैगनेटिक फील्ड प्रोवाइड करती है इस प्रकार या हम कहेंगे समान चुंबकीय क्षेत्र वो प्रोवाइड करती है इस गेप में डायफ्राम तो थिन सर्कुलर शीट ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एंड इज ऑफ लाइट वेट डायफ्राम जो इस माइक्रोफोन में यूज किया जाता है वो है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का की थिन सर्कुलर शीट से बना हुआ है और इसमें ये बहुत ही लाउड लाइट वेट होता है इट इज स्लाइटली डोम्ड फॉर एक्स्ट्रा रिजिडिटी इट इज फिक्स टू द बॉडी ऑफ मैगनेट विद्प ऑफ स्प्रिंग्स इसे मैग्नेट से किस प्रकार कनेक्ट किया जाता है स्प्रिंग्स की हेल्प से और इसे uh, कठोर बनाने के लिए स्लाइटली डोम्ब बनाता है इसलिए एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोटेक्टिव कवर एम एक मेटल ग्रिल यूज़ की जाती है इसे प्रोटेक्शन देने के लिए इस प्रकार ट द अपर लोअर चेंड इन दोअर चेंसेस टू द फ्री एटमोस्फियर अपर चेंबर को लोअर चैम्बर सेपरेट करने के लिए ये सिल्क क्लॉथ पार्टीशन यहाँ पे यूज किया जाता है और जो एक स्मॉल ट्यूब भी लोअर चैम्बर में यूज की जाती है ताकि जो है फ्री एटमॉस्फेयर है है उससे उसको एक्सेस किया जा सके इसके लिए यहाँ पे एक स्मॉल ट्यूब यूज की जाती है लोअर चैम्बर में नेक्स्ट है ये डायनेमिक माइक्रोफोन का इक्विवेलेंट सर्किट है मास कॉम्पलियंस फ्रिक्शन वाइब्रेशन ये ऑडियो आउटपुट और साउंड इनपुट इनपुट में क्या है हमारे पास साउंड द मास ऑफ द डायफ्राम रेस्ट्रिक्ट द हाई ऑडियो फ्रिक्वेंसी आउटपुट जो डायफ्राम का मास है वो हाई ऑडियो फ्रिक्वेंसी आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट करता है कंट्रोल करता है एंड द स्टिफनेस कोज्ड बाई द स्प्रिंग्स कॉम्पलियांस जो स्प्रिंग के कॉम्पलियांस की वजह से जो स्टिफनेस प्रोवाइड हुई है वो किसे रेस्ट्रिक्ट करती है लो ऑडियो फ्रिक्वेंसी आउटपुट को नेक्स्ट डायनेमिक माइक्रोफोन की वर्किंग के बारे में किस प्रकार ये कार्य करता है तो चूंकि अभी हमने डायनेमिक माइक्रोफोन के स्ट्रक्चर के बारे में देखा था जिसमें हमने देखा था कि मेन कंपोनेंट्स इसमें कौन कौन से होते हैं मैग्नेट डायफ्राम एंड कोइल इस प्रकार ये इसमें कनेक्टेड होते हैं तो जैसे ही साउंड वेव्स जो हैं वो डायफ्राम पे अप्लाई की जाती हैं तो डायफ्राम चूँकि स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है जो कि स्प्रिंग आ, स्प्रिंग से कॉम्प्लियंस मोशन प्रोवाइड करती है तो डायफ्राम पे जैसे ही साउंड प्रेशर लगता है तो इसमें मूवमेंट होता है इस प्रकार मीन्स इसमें वाइब्रेशंस होते हैं इसमें वाइब्रेशंस होने की वजह से कोइल जो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है उसमें भी मूवमेंट होती है वो भी अंदर बाहर अंदर इस प्रकार मूव करती है कोयल में मोमेंट होने की वजह से कोयल से गुजरने वाले जो फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें भी चेंज होता है और चूँकि कोयल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल की वजह से कोयल में क्या इंड्यूस होगा कोयल में ईएमएफ इंड्यूस होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और यही ईएमएफ जो है वो माइक्रोफोन का आउटपुट है

बींग इंड्यूस्ड इन द कोयल ड्यू टू इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक uh, फ्लक्स में चेंज हो रहा है चूँकि कोयल में तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल की वजह से कोयल में क्या होता है ई एम एफ इंड्यूस होता है ये जो इंड्यूस्ड ई एम एफ है ये अब किस किस पर डिपेंड करता है ये ई एम एफ ये इंड्यूस्ड डी एम एफ डिपेंड करता है ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की रेट पे साथ ही साथ कोयल में होने वाले मोशन पे तो इस प्रकार ये इन दोनों पे डिपेंड करता है और ये जो कोइल है इसमें जो इसकी जो पोजीशन चेंज हो रही है इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये जो मैग्नेटिक फील्ड में अंदर बार हो रही है ये किस पे डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है डायफ्राम पे जो साउंड वेव्स की वजह से प्रेशर लग रहा है उस पे इसकी वजह से इसे प्रेशर माइक्रोफोन भी कहा जाता है तो ये इंड्यूस्ड वोल्टेज है या इंड्यूस्ड ये EMF है माइक्रोफोन के में ये किस प्रकार दिया जाएगा पे e क्या वोल्टेज और डी फाइव बाई डी टी में ये फाइव क्या है फ्लक्स तो ई एम एफ चूंकि अभी हमने देखा ई एम एफ किसके इक्विवेलेंट होते ई एम एफ किस पे डिपेंड करता है फ्लक्स में चेंज होने की रेट पे E तो केस क्या हो गया यहाँ पे बाई टी। इसे हम इस फॉर्मूले से भी दे सकते हैं बी एल इंटू वी जहाँ पे B क्या है फ्लक्स डेंसिटी है टेस्ला में दी जाती है या वेबर पर मीटर स्क्वायर L है लेंथ ऑफ इन मीटर और v है वेलोसिटी ऑफ डायफ्राम तो इस प्रकार ये जो द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी विच इन टर्न इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड प्रेशर वेरिएशंस तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है क्योंकि हम इसे इस फॉर्मूले से भी दे सकते हैं तो ये किसके प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली वेलोसिटी डायफ्राम की वेलोसिटी पे और साथ ही साथ ये प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रेशर वेरिएशंस के चूँकि डायफ्राम में जो मूवमेंट हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं साउंड प्रेशर्स के साउंड की, की वजह से लगने वाले प्रेशर के वेरिएशंस की, की वजह से तो ये इस प्रकार यहाँ पे इस ये जो डायनेमिक माइक्रोफोन है उसमें जो इंड्यूस डी एम एफ है वो इस प्रकार दिया जाता है इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी साथ ही साथ इस फॉर्मूले से भी हम इसे दे सकते हैं बी एल वी नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में किस प्रकार की इस माइक्रोफोन में कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो फर्स्ट है सेंसिटिविटी के बारे में तो सेंसिटिविटी जो है वो पॉइंट पास्कल साउंड प्रेशर लेवल के लिए होती है 30 माइक्रोवोल्ट सिग्नल टू नॉइस रेशियो इसमें 30 डेसिबल होता है फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो प्लस माइनस वन डेसीबल एम्पलीट्यूड के लिए सिक्सटी हर्स टू एट थाउजेंड तक फ्लैट रेस्पॉन्स देता है और इसकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जो है वो थ्री टू फोर किलो हॉर्स के बीच में होती है इसकी वजह से ये जो है वो नॉइस और फीडबैक से ज़्यादा प्रभावित होता है ये वाला माइक्रोफोन आउटपुट इम्पिडेंस जो है वो इसमें लगभग पच्चीस ओम होता है डिस्टोशन uh, इसमें लेस देन फाइव परसेंट होता है और डायरेक्टिविटी जो है वो ओमनी डायरेक्शनल होती है uh, लेकिन जब हम ए, इस माइक्रोफोन को रिबन माइक्रोफोन के साथ यूज़ करते हैं सीरीज में तो इसकी जो डायरेक्टिविटी है वो फ्रिक्वेंसी के साथ चेंज होती है मींस इसमें कार्डियोड पैटर्न हमें मिलता है और आ, अगर हम इस माइक्रोफोन में फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो उस साथ के साथ डायरेक्टिविटी भी इंक्रीज होती है नेक्स्ट है डायनेमिक माइक्रोफोन के फीचर्स के बारे में इज मैग्नेट इज क्वाइट हेवी इट कैन बी इनकेस्ड इनवी प्रोटेक्टिव केस एंड इट इज वेरी रोबस्ट कि इसमें बहुत ही हेवी मैग्नेट का हम यूज़ करते हैं और साथ ही साथ इसे बहुत ही हेवी प्रोटेक्टिव केस में भी रखा जाता है इसलिए यह बहुत ही कठोर और रिलायबल होता है इट इज़ इट डज नॉट नीड एनी एक्सटर्नल बायस इसमें किसी भी बाहरी बायस की आवश्यकता नहीं होती इट कैन बी स्पोकन इन टू फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर मीन्स लगभग ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर की दूरी से हम आसानी से बोल सकते हैं इसमें इट्स कॉस्ट इज नॉट हाई इट इज लोअर इन कॉस्ट देन रिबन एंड कंडेंसर माइक्रोफोन्स बट हायर देन क्रिस्टल एंड का कार्बन माइक्रोफोन्स। इसकी कॉस्ट ज्यादा हाई नहीं होती है लेकिन जो इसकी है वो रिबन और कंडेंसर से कम लेकिन क्रिस्टल और कार्बन माइक्रोफोन से ज्यादा होती है नेक्स्ट मूविंग माइक्रोफोन या डायनेमिक माइक्रोफोन के एप्लीकेशंस के बारे में का का यूज़ होता है? तो dramas, music, concert, इसका uh, यूज किया जाता है जब हम इवन माइक्रोफोन के साथ सीरीज में इसको यूज़ करते हैं तो कार्डियो पैटर्न के साथ ड्रामा और कॉन्सर्ट्स के लिए इसका यूज किया जाता है नेक्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्टिंग और पब्लिक एड्रेस सिस्टम में भी इनका उपयोग होता है तो इस प्रकार ये आज का कंप्लीट लेक्चर था मूविंग uh, ऑयल और डायनेमिक माइक्रोफोन के बारे में थैंक यू